तो यहां वहां दुई बालक देखा, दो बालक देखे, दो राम जी देखे, एक सो रहे हैं एक पा रहे हैं। तो मैया सोच रही है कि ये मेरी बुद्धि का भ्रम है कि राम में ही कोई विशेषता है। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हस्तिदीन मधुर मुस्कानी। उस समय भगवान ने मंद मंद मुस्कुराहट से प्रभु हंसने लगे। और फिर गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और ये लीला करते 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 माँ कौशल्या ने देखा राम जी अचानक चतुर्भुज रूप धारण कर लेते, चार भुजाओं से युक्त, और चार भुजाओं से युक्त है विराट स्वरूप भगवान का माने देखा है। नेत्र ऐसे हैं जैसे सूर्य, एक नेत्र में एक सूर्य, दूसरा नेत्र में दूसरा सूर्य। भगवान ने मुख खोला है तो मुख के भीतर कमल के पुष्प पर ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ, शिव भवानी के साथ कैलाश पर बैठे हैं। नदियां बह रही हैं, पर्वत की श्रृंखलाएं भगवान के मुख में देखी, समुद्र को देखा। भगवान के कान, भगवान की नासिका बड़ी विशाल, सिर पैर पृथ्वी पर, सिर आकाश में। ये हाथ एक दिशा को छू रहा है, ये हाथ दूसरी दिशा को छू रहा है, ऐसा विशाल स्वरूप जब देखा, तेज निकल रहा है। तो मैया तो एक बार नेत्र बंद करके बैठ गई वहीं कि ये क्या है अद्भुत। नेत्र बंद करके बैठ गई और जैसे ही भगवान ने देखा कि मैया तो घबरा गई है, तो मैया की घबराहट को शांत करने के लिए भगवान फिर ज्यों के त्यों छोटे से हो गए, छोटे से हो के वहीं मैया के बाजू में बैठ के मैया की गोदी में अपना हाथ ऐसे ऐसे पटकने लगे। अब जब हाथ पटकने लगे, मैया ने धीरे से नेत्र खोल के देखा तो राम जी ज्यों के त्यों। मैया कहती, आज मैंने देख लिया आप कौन हैं, आज भूलने वाली नहीं हूं। कौशल्या मैया को राम जी ने दो बार विराट स्वरूप दिखाया है। एक बार तब दिखाया है जब राम जी प्रकट हुए हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब कौशल्या के यहाँ बालक बन के आए हैं तो सीधे बच्चे बन के नहीं आए, विराट स्वरूप में आए हैं। फिर माँ के कहने पर माँ की गोद के आकार के हुए और आज फिर विराट स्वरूप दिखा दिया। लेकिन जन्म के समय वाला बात की वाली बात तो माँ भूल गई थी। जन्म के समय वाली बात भगवान ने माँ की बुद्धि से डिलीट कर दी थी, हटा दी थी। लेकिन अब जो रूप माँ को दिखाया है वो भगवान ने माँ की बुद्धि से हटाया नहीं। वो बात कौशल्या मैया को याद है। क्यों? राम जी ने सोचा मैया को ये याद रहने दो, क्योंकि आगे चल के मुझे 14 वर्ष का वनवास होना है। और जब मेरी माँ से मेरा 14 वर्ष का वनवास होगा और यदि माँ को ये पता नहीं होगा कि मैं कौन हूं तो तड़प तड़प के तो वैसे ही मर जाएगी। लेकिन यदि माँ को पता होगा कि मैं कौन हूं तो माँ तड़पेगी नहीं, माँ प्रसन्नता पूर्वक मुझे विदा देगी कि राम ब्रह्म है और संसार का कल्याण करने के लिए राम इस पृथ्वी पर आया है। इसलिए कौशल्या मैया को भगवान ने विराट स्वरूप जब दूसरी बार दिखाया तो उसकी जो एक झलक है वो मैया की बुद्धि में है। मैया भूली नहीं है, भगवान ने भुलाया नहीं, माया का पर्दा नहीं डाला, माया का पर्दा मैया की बुद्धि से खींचा, जिससे कौशल्या मैया को याद रहे कि माँ तुम्हारा राम ब्रह्म है। आगे चल के तुम्हारा और मेरा 14 वर्ष का जब वियोग होगा तो माँ तुम घबराना मत, तुम डरना मत, क्योंकि मैं पृथ्वी पर आया हूं इसलिए कि लोग का कल्याण कर सकूं, संसार का कल्याण कर सकूं। तो
भगवान ने माँ को विराट स्वरूप दिखाया है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रभु की एक ये सुंदर लीला थी। और एक दिन की बात है, राम जी बैठे हैं मित्रों के साथ, उपद्रव करते हैं राम जी। उपद्रव कैसा? एक बाल्टी धूल, बाल्टी भर के धूल रखी है राम जी के सामने। राम जी के मित्र हैं और चारों भैया एक एक बाल्टी धूल भर के रखे हैं और धूल का खेल चल रहा है। खेल कैसा कि जो सबसे ज्यादा धूल अपने ऊपर डालेगा वो जीत गया। तो एक बाल्टी पर धूल राम जी ने उठाई और अपने मुड़ के ऊपर से उड़ेल ली, मतलब अपने ऊपर डाली। और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। धूल से लथपथ हो गए, धूल से बिल्कुल ऊपर से नीचे तक धूल ही धूल है। कौशल्या मैया ने देखा तो हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के भीतर ले गई। अब जब भीतर ले गई तो यहाँ दशरथ जी बैठे हैं, तो राम जी ने मैया के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और दशरथ जी की गोद में जाकर के बैठ गए। और दशरथ जी का प्रेम भी इतना है कि बिल्कुल धूल से लथपथ राम जी अपनी गोद में बिठाए हैं, अपनी बाहों में राम जी को भर लिया और उनके कपोलों को दशरथ जी चूम रहे हैं, उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। ये नहीं कहा कि अरे पहले जाओ नहा के आओ, पहले जाओ कपड़े बदल के आओ। आज माता पिता यही करते ना, हम माता पिता हैं, हम यही करते हैं। बच्चे यदि गंदे हैं, छपे हैं, धूल में हैं, मिट्टी में हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जाओ पहले कपड़े बदल के आओ, फिर पास में आना, नहीं तो तुम मेरे कपड़े गंदे कर दोगे। पर दशरथ जी ने वैसे ही, राम जी धूल से भरे, धूल से लथपथ हैं, धूल से लथपथ राम जी को अपनी गोद में बिठाया है और गोद में बिठा के खूब लाड़ लड़ाया है। ऐसा सुंदर भाव दशरथ जी वहां पर दिखाते हैं। और गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी प्रभु चलही पराई। राजा दशरथ भोजन करने बैठते हैं, राम जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं। जब राम जी को बुलाते हैं तो राजा दशरथ के बुलाने पर राम जी नहीं आते, ये कह देते हैं मुझे नहीं खाना, मुझे और खेलना है। लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी प्रभु चल ही पराई। जब माँ कौशल्या बुलाती हैं तो ठुमक ठुमक करके दौड़ते भागते हुए राम जी माँ की गोद में आकर के बैठ जाते हैं और भोजन पाने लगते हैं। इस तरह से राम जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं।